इसी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे आपने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कट ऑफ वाला, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। हमने इसमें बताया कि 113,600 जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर 40% पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनकी DB यहाँ पर पटना में 24 तारीख से कंडक्ट कराई जाएगी। 24 से 27 के बीच आपकी DB होगी। अब देखिए, जब से आंसर की आपकी आ चुकी है तब से लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर एक ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ बता दीजिए। तो मैं आपको यहां पर कट ऑफ बताने वाला हूं, BEd को सम्मिलित करते हुए कट ऑफ बताऊंगा, प्लस BEd को बाहर करते हुए दोनों कट ऑफ यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अगर BEd सम्मिलित रहेगा तो क्या कट ऑफ जाएगी और अगर BEd बाहर हो जाएगा तो क्या कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो यहाँ पर कम हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पोल डाला हुआ था टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे मार्क्स जो हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो है कम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ पर असर जरूर देखने को पड़ेगा। और लगातार जितने मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हूँ, जितने मैं टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हूँ, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 7 नंबर कम हो गए, मेरे 8 नंबर कम हो गए, यानी 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो है सभी अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं। दूसरी बात, आपके जो आंसर की आई हुई है उस आंसर की में जो मेल वाली है वो हमने अच्छी तरीके से देखा, एनालिसिस किया, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन होने की नीड है, वो वहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऑब्जेक्शन लिंक अभी आपका जो जारी किया जाएगा 5 से 7 के बीच में, ऑब्जेक्शन मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, किन किन प्रश्नों पर करना है, सब कुछ आपको प्रूफ दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रूफ आपको दिया जाएगा और जहां पर ऑब्जेक्शन आपको करना होगा बताया जाएगा, आप उसी तरीके से ऑब्जेक्शन करिएगा ताकि आपके जो रिवाइज्ड आंसर की आए उसमें आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकें। और ऑब्जेक्शन सभी को करना है, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों को कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी को ऑब्जेक्शन यहाँ पर करना है। तो कुल मिलाकर के जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो जरूर सभी के जो मार्क्स होंगे मेरे हिसाब से 3 से 5 नंबर जरूर यहां पर बढ़ जाएंगे। फिलहाल जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं, जो अभी आपकी आंसर की आई हुई है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग मैं अभी जो है नई कट ऑफ तैयार किया हूं, नई कट ऑफ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बाकी जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तब देखा जाएगा। और मेरे हिसाब से जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो जो आपका रिजल्ट आएगा DB वाला उसके बाद आएगी या फिर उसके साथ आएगी, उससे पहले आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि BPSC चाहता है कि हम जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट कर लें और इसके बाद 1.5 लाख पदों पर जो नई भर्ती है वो भी जो है BPSC पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि अक्टूबर में इसका जो विज्ञापन हो जारी कर दिया जाए, जिसमें 6th to 8th की वैकेंसी होगी, प्राइमरी की, TGT और PGT की वैकेंसी यहाँ पर होगी। इसीलिए आपने देखा होगा एस्टेट कितनी जल्दी जो है कितने फास्ट तरीके से फॉर्म फिल होता है, सिलेबस आता है और आपका एग्जाम की डेट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाती है, एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी हो जाते हैं। खैर वो सब गर्त की बातें, भविष्य की गर्त में छिपी हुई सारी बातें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर BEd को सम्मिलित करते हुए कट ऑफ बताने वाले हैं इस ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपकी 1 सितंबर को जारी हुई है, और BEd को बाहर करते हुए कट ऑफ दोनों तरीके से यहाँ पर हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देखिएगा 70% अभ्यर्थी जो है जिनके मार्क्स यहाँ पर कम हुए हैं, अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं UPP कॉन्स्टेबल की या फिर PET 2023 की या फिर जूनियर असिस्टेंट 2023 की या फिर बिहार में आगामी शिक्षक भर्ती आपकी जो 1.5 लाख पदों पर प्रस्तावित है उसकी, आप सभी को पता है SC/RT उसमें आपको जरूर पढ़ना है, बिना SC/RT के आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, या फिर मुख्य सेविका की, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, संस्थान की तरफ से बहुत कम पैसों में जो नोट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट तैयार कर लिए गए हैं। जैसा कि आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर डेमो भी दिखा देता हूँ, और अगर आप इन नोट्स को पढ़ करके जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 सीट आप जरूर पक्की कर लेंगे, क्योंकि बहुत से जो नोट्स हैं मार्केट में मिलेंगे, बहुत बुक्स मिलेंगे, उसमें इरिलेवेंट डेटा दिया गया है, आप अगर उनसे पढ़ते हैं तो आप 1 सीट पक्की यहाँ पर करने में जरूर दिक्कत करेंगे। लेकिन हमने जो नोट्स तैयार की हुई है वो काफी एनालिसिस के बाद तैयार किया गया है, जो आपको मार्केट में कई सारी जो बुक्स मिलेंगी उनसे हमने नोट्स को यहाँ पर तैयार किया है, और इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ऐसे ही हमने जो है कॉन्स्टेबल के नोट्स तैयार किए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऐसे ही हमने जो नोट्स तैयार किए हैं जूनियर असिस्टेंट के तैयार किए हैं। BPSC अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो बुक्स है 23 बुक्स का PDF उसे भी तैयार किया गया है SC/RT कक्षा 1 से लेकर 10 तक, और ये सभी नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करिएगा जहां पर डायरेक्ट जो है लिंक दिया गया है, आप सबसे पहले नोट्स को देख लीजिएगा, इसके बाद आप नोट्स को परचेज करिएगा, वहां पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है। UPP के जो नोट्स हैं 199 में आपको मिल जाएंगे, PET के नोट्स आपको 149 में मिल जाएंगे, इसमें कंप्लीट नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ जो सभी नोट्स के साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी यहां पर दिया गया है। BPSC के नोट्स 199 में आपको मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट के 199 मिल जाएंगे, मुख्य सेविका के नोट्स आपको 199 मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा जहां पर इस तरीके से लिंक दी गई है, अगर आपको PET के नोट्स खरीदना है तो इस पर क्लिक करिएगा, कांस्टेबल का इस पर क्लिक करिएगा, जूनियर असिस्टेंट के नीचे जस्ट क्लिक करिएगा, मुख्य सेविका ये रहा और कंप्लीट SC/RT आपका ये रहा। नोट्स का डेमो देख
देखने के लिए जैसे मैं दिखा रहा था आपको पीडीएफ फॉर्मेट, इस पर क्लिक करिएगा तो ये सभी नोट्स आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं कहने दिलाता हूं कि अगर हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो आपकी 101% एक्सीट यहां पर पक्की हो सकती है। अगर आप रिवीजन जो पोल्स हैं मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जो अलग अलग चैनल के माध्यम से किए गए हैं, हमारे माध्यम से किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है बीपीएससी टीचर एग्जाम का आंसर की मिलाने के बाद आप लोगों के कितने अंक यहां पर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहां पर जो मैक्सिमम अभ्यर्थी अटेम्प्ट किए हैं 60 से अबव वाले यहां पर अटेम्प्ट किए हैं और 7600 अभ्यर्थियों ने यहां पर अटेम्प्ट किए हैं। दूसरा पोल आप देखिए, यहां पर देखिए 70 से जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं 16% है, 60 से नीचे 28% है और 50 से नीचे आपके 41%। कहने का मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं, ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ चुकी होगी। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये पोल यहाँ पर किया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो थर्ड पोल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स कितने हैं, तो 46 से 50 नंबर के बीच में 31% है, 51 से 55 के बीच 20% है, 56 से 60 नंबर के बीच 17% है और 61 से 65 के बीच 14% है और 66 नंबर के जो अवैध हैं 19% है। तो कहने का मतलब ये 10,000 लोगों ने यहाँ पर की कहा हुआ है, जिसमें से बताया है कि जो 10,000 लोगों में से 2,000 लोग ऐसे हैं जो 60 प्लस नंबर यहाँ पर लेकर के आए हैं। और ये देखिए जो आपका पोल्स कराया गया है इसमें बीएड के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, प्लस जो डीएलएड है उसके भी अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। और जब पोल कराया जाता है तो उसमें कोई भी अभ्यर्थी होता है वो अपने जो है अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी दिया होता तो भी वो गलती से टिक यहां पर कर देता है। तो ज़्यादा मैं पोल को सही नहीं मानता हूं, हालांकि हमने जो पूरी तरीके से एनालिसिस किया है, जो आप लोगों ने कमेंट किया है, जहां जहां मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल हूं, जहां कहीं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूं, सबके नंबर यहां पर कम हुए हैं, 6 से लेकर के 10 नंबर के बीच यहां पर कम हुए हैं। तो अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पर। उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको और दे दूं, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है आंसर की कैसे मिलाना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी हमने ये वीडियो बना दिया था और डीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। 24 सितंबर से पटना में अदर स्टेट वालों के डीबी जो है प्रस्तावित है, ये वीडियो आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उस कट ऑफ को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर हमने इस वीडियो का लिंक दे दिया है 21 मिनट 52 सेकंड का वीडियो। सबसे पहले आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, जब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के बाद आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं जब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो कट ऑफ किस बेस पर बता रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि हमारी बताई हुई कट ऑफ 101% सही साबित होने वाली है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर लिंक डायरेक्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। और अभी तक अगर आप पेपर को मैच नहीं कर पाए हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के डायरेक्ट सर्च करिएगा एमएमबी टीचिंग पॉइंट, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर हमने 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जीएस वाला पेपर जो है सॉल्व करके भेज दिया है। आप इस पेपर में मैंने टिक कर दिया है जो ऑफिशियल आंसर की से आंसर सही हो रहे हैं, आप उनको देखते हुए अपना पेपर मैच करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो फीमेल पेपर हुआ था 24 के सेकंड शिफ्ट में, उसको भी मैंने जो है उसी तरीके से हाईलाइट कर दिया है। तो आप इस पेपर को ओपन करिए, डाउनलोड करिए मोबाइल फ़ोन में और फिर अपना पेपर सामने रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते जाइए, आंसर इसमें टिक है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग, आप अपना पेपर मिलाते रहिए और मिलाने के बाद आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। उम्मीद है कि 21 मिनट 52 सेकंड वाला जो वीडियो है आपने देख लिया होगा, तब आकर के आप इस वीडियो को फिर से यहाँ पर देख रहे होंगे। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये कट ऑफ समझ में नहीं आएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था 21 मिनट 52 सेकंड वाले वीडियो में कि अभी तक का अगर हम बीटीसी की यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ बताएं, बीएड को बाहर करते हुए सबसे पहले हम कट ऑफ बता रहे हैं, फिर हम बीएड को सम्मिलित करते हुए कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे। देखिए बीटीसी का जो पासिंग परसेंटेज रहा है 40% के अराउंड में रहा है, 35 से 40% के बीच में आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो यहाँ पर रहता है 40% पर। तो 40% पर जो कट ऑफ सेट हुई थी वो 55 से 60 नंबर के बीच में यहाँ पर सेट हुई थी, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ हमारे द्वारा जो है बताई गई थी। और मैं इसी कट ऑफ पर कायम हूँ, 55 से 60 के बीच अगर जनरल कैटेगरी में आप मेल हैं और आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर 60+ आप क्रॉस कर लिए हैं तो मैं दावा करता हूं 101% कि आपकी एक सीट यहां पर पक्की हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स जो है वो सभी अभ्यर्थियों के यहां पर कम हुए हैं। तो 60+ जो भी अभ्यर्थी है वो 100% आप अपने आप को एक सीट पक्की मान करके चले मेल कैटेगरी में। वहीं पर जो फीमेल हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं, क्योंकि जब आप अदर स्टेट
के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, भले ही आप यहाँ पर किसी कैटेगरी के हों। मेल में अगर आपके 55 प्लस बन रहे हैं तो 100% आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है किसी भी तरीके से। तो आपने यहाँ पर समझ लिया 60 प्लस जो है अगर आपके हैं तो मेल में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और 55 प्लस अगर आप फीमेल हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं उसी कट ऑफ पर कायम हूँ, 55 से 60 के बीच आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है, क्योंकि हमने जो पूरा रेशियो दिया था वो 40% पर ही दिया था कि 40% पर कितने अभ्यर्थी यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 40% पर जो अभ्यर्थी हैं 113,000 समथिंग मिल रहे थे, और तब हमने जो कट ऑफ बनाई थी यानी 48 नंबर पर 113,000 अभ्यर्थी मुझे मिल रहे थे, और अब जो है जो मैंने कट ऑफ बताई थी 55 से 60 वही कट ऑफ एग्जैक्ट जाने वाली है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी जिस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन जो 60 प्लस है 100% सेफ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 55 से 60 वाले सब सेलेक्ट हो जाएंगे, भले फर्स्ट लिस्ट में हो, चाहे सेकंड लिस्ट में हो, चाहे थर्ड लिस्ट में हो, 55 से 60 के बीच अगर हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप यहाँ पर मेल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं 50 से 55 फीमेल जिनके आ रहे हैं वो सब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी सबकी कट ऑफ यहाँ पर देखिए दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए ये जो कट ऑफ हमने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों की बताई है, हो सकता है 55 से भी कम कट ऑफ बीटीसी वालों की चली जाए, यहां से 50 से भी कम चली जाए, हो सकता है ये कट ऑफ आपकी जो है वो आपकी जो है मैं कह सकता हूं कि 52-53-54 यानी 52 प्लस भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मैं 55 से 60 के बीच सभी को सेफ मानता हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर फीमेल की कट ऑफ जो है आपकी वो भी यहाँ पर एक दो नंबर कम देखने को मिल सकती है, 48 नंबर तक भी जो है जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि सबके नंबर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कम हुए। और आंसर की आपकी जो आई हुई उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन करने लायक है, पूरी तरीके से आंसर उनका गलत दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कट ऑफ पर जरूर डालेगा जो आंसर की यहाँ पर गलत तरीके से जारी की गई है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया 55 से 60 मेल कैटेगरी कट ऑफ, 50 से 55 फीमेल कैटेगरी कट ऑफ, बाकी यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा। और अगर बीएड सम्मिलित होता है तो ये 5 नंबर आप ऐड और कर लीजिए, यहाँ पर 60 से 65 के बीच जाएगी जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर 5 नंबर और आप ऐड करिए, यहाँ पर 55 से 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए बीटीस बीएड का मामला भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या कुछ करता है बीपीएससी, हालांकि सबको पता ही है कि बीएड को लेकर के क्या चल रहा है। तो मैंने दोनों कट ऑफ इसलिए बता दिया, बीटीसी की कट ऑफ बता दिया और बीएड की कट ऑफ भी यहाँ पर दोनों बता दी। आई होप आप मेरी कट ऑफ से सेटिस्फाइड जरूर होंगे। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर हो जाएगा, मैं 101% गारंटी यहाँ पर लेता हूँ। फिलहाल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।